पारदर्शिता नहीं रहेगी तो लोग हमारा मान सम्मान नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का हमें भविष्य में भी ध्यान रखना है। और अविनाश जी ने जो कदम लिया उसके लिए मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। बीइंग अ वुमन आई ऑल्सो फील इंसल्टेड कि किसी भी लेडी को अगर इस तरह से बोला जाता है, चाहे वजह जो भी रही हो, जितना भी गुस्सा हो, बट वी शुड कीप कंट्रोल ऑन आवर वर्ड्स, है ना। और भैया ने माफ़ी मांगी उसके लिए, मैं सच में दिल से बहुत खुश हूँ। अगर आप लोगों के दिल में भी अगर कुछ ऐसा है तो आप, मैं चाहूँगी कि आप भैया को माफ़ करके और टीम को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। आशा है कि हम सब जिस नियत से आए हैं उसकी जो कमियां जो हम आज लेकर यहां पे आए हैं वो दोबारा ये चीज़ें ऑक्योर ना हो, इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि पारदर्शिता का होना बहुत ज़रूरी है। पारदर्शिता कब आएगी? जब हम वन टू वन बात करें या हम अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स से या बड़े सीनियर्स से अगर हम कुछ कंसल्ट करके अगर चीज़ें करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमसे कोई गलती होगी। जहाँ तक मेरा पर्सनल जो विचार है, ये मैं कहना चाहूँगी कि मुझे ये लगा कि शुरुआत से ही गलतियाँ हुई। शुरुआत से गलतियाँ ऐसी हुई कि आपस में ही कुछ चंद लोगों ने मिलकर निर्णय ले लिए जो कि सही नहीं था। हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, फंड कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। बाद में बहुत सारी बातें जब बिगड़ गई तब हम सडनली एक्टिव हुए। तो मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर में ऐसा ना हो, क्योंकि हम सब नवोदियंस हैं, ज़्यादातर नवोदियंस हैं और बाहर से भी लोग हैं। और अगर हम राजनीति में आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये विचार लेकर आए हैं कि हमको एक ऐसा नेता देना है, हमको अपने समाज से ऐसे नेता निकाल कर लाने हैं जो कि साफ सुथरी छवि के हों, उनकी पारदर्शिता हो, उनका समाज में एक अपना अहम रोल हो, उनको लोग इज्जत देते हों, उनको लोग मान सम्मान देते हों। अगर हमारे अंदर पारदर्शिता नहीं रहेगी तो लोग हमारा मान सम्मान नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का हमें भविष्य में भी ध्यान रखना है। और अविनाश जी ने जो कदम लिया उसके लिए मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। कि बीइंग अ वुमन आई ऑल्सो फील इंसल्टेड कि किसी भी लेडी को अगर इस तरह से बोला जाता है, चाहे वजह जो भी रही हो, जितना भी गुस्सा हो, बट वी शुड कीप कंट्रोल ऑन आवर वर्ड्स, है ना। और भैया ने माफ़ी मांगी उसके लिए, मैं सच में दिल से बहुत खुश हूँ। अगर आप लोगों के दिल में भी अगर कुछ ऐसा है तो आप, मैं चाहूँगी कि आप भैया को माफ़ करके और टीम को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं और आने वाली जो भी निर्णय हो उन सबको सबके बीच में रखा जाए, चाहे फंड हो, चाहे कोई भी चीज़ होती है, हर चीज़ में हम पारदर्शिता रखें। और ये इस बात का ध्यान रखें कि हमको हर मेंबर को रिस्पेक्ट देना है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो पार्ट, चाहे वो कुछ दिन के लिए आए हो, कुछ समय के लिए से ही आए हो, लेकिन वो पार्टी का मेंबर है तो हम सबको उसको रिस्पेक्ट देनी है। क्योंकि कई बार मीटिंग में मैंने ऐसा महसूस किया है कि कुछ बड़े लोग अपने वाणी पे संयम नहीं रखते हैं और कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि जिससे कि हमें हर्ट होता है। तो मैं सबसे चाहूँगी कि हम सब अपनी वाणी पर भी संयम रखें ताकि किसी को हर्ट ना हो।